आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेश्चन। इज द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। सो गाइस, हमें बताना है कि जो एवरेज वेदर होता है, अगर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, सो गाइस, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है क्लाइमेट। ठीक है, तो बेसिकली गाइस क्या रहता है, जैसे कि वेदर होता है किसी भी जगह का, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आज बारिश हो रही है, कल बहुत सनी डे था, ठीक है, फिर परसों बहुत ह्यूमिड डे था, तो वो वेदर कहलाता है। लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन का वेदर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हम एवरेज वेदर कंसिडर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमेशा यूजुअली ह्यूमिडिटी रहती है, बीच में कभी कभी बारिश हो जाती है, सनी डे हो जाता है, ड्राई हो जाता है, लेकिन मोस्टली वो एरिया ह्यूमिड हो जाता है, ठीक, ह्यूमिड रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ह्यूमिड है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशंस होते हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए पहले देखते हैं कि वहां पर कैसा वेदर एवरेज चल रहा है, फिर हम उसको क्लाइमेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसा रहता है? ह्यूमिडिटी है, ठीक है, देन सनलाइट है, रेनफॉल है, एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर क्लाइमेट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।